हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद धीरेन्द्र पर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करते हैं, आपके एग्जाम को देखते हुए आपके एग्जाम के पार्ट पर जो इंपॉर्टेंट होता है सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के पार्ट पे और वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है, चाहे NTPC की बात कर लें हम, रेलवे SSC की बात कर लें, CHSL या CGL की बात कर लें हम लोग, या हम लोग बात करें स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे UPPSC UPSSSC के पार्ट पे या सुपर टेट की बात कर लें, उस पार्ट पर भी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का आज सेक्शन डिस्कस करने वाले हम लोग, और रीजनिंग के पार्ट पे आज हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं तार्किक वेन आरेख, इसे हम लोग वेन आरेख के नाम से जानते हैं, आप लोग लिख सकते हैं, इसे हम वेन आरेख के नाम से भी जानते हैं। अब पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, सर हम लोगों को इस टॉपिक को पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, What is the reason behind it? तो पहले आप जान लीजिए, किसी भी टॉपिक को डिस्कस करने से पहले उस टॉपिक का नेचर या उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, कैरेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। तो वेन डायग्राम की बात कर ले यहाँ पे हम लोग, जैसे हम लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी डिपार्टमेंट में, मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में आप जॉब कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे आप बिना कहे चीज़ों को समझो, मतलब इस टॉपिक के पढ़ने के पीछे की वजह क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चीज़ों को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए या पिक्टोरियल डिनोट करने के लिए टॉपिक पढ़ाया जाता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कितना है, आप कितने समझदार हो, आपका माइंड कितना स्ट्रांग है, चीज़ों को आप ग्राफिकली यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में चीज़ों को आप समझ पा रहे हो। जैसे मैं बात कर लूँ, एक बंदा ऐसा है, मान लीजिए वो जॉब कर रहा है और किसी वजह से उसको कुछ मिसहैपनिंग हो गई, उसका आवाज़ चला गया, भगवान करे ऐसा किसी का ना हो, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन ये, वो जॉब करना है उसे, तो वहाँ पे डीलिंग कैसे करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पिक्चर के फॉर्म में आप पिक्टोरियल आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दो, मतलब डिनोट करो कि, तो आपका मतलब ये हो जाएगा कि आप समझ जाओ, ईजिली समझ जाओगे कि इस व्यक्ति का कहने का आशय क्या है। जैसे हम लोग समझते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग एक अपने जैसे आप बात करते हैं, सर हम लोग गांव में रहते हैं, गांव एक छोटा सा होता है, कस्बा हो गया आपका, फिर बात आई कि गांव किसी ना किसी जिले में होगा, जिला किसी ना किसी राज्य में होगा, राज्य किसी ना किसी जो है कंट्री में होगा, देश में होगा, और देश बात करें वर्ल्ड में होता है, यानी संसार की बात कर ले, वहां पर एग्जिस्ट करता है कोई भी कंट्री। तो रिलेशनशिप कैसे ग्राफिकल दिखाया जाए, पिक्चर के फॉर्म में कैसे रिलेशनशिप यानी कि संबंध दिखाया जाए, इस वजह से हम लोग पढ़ते हैं इस टॉपिक को जो हमारा है लॉजिकल वेन डायग्राम। जैसे आप आजकल व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, किसी ने आपको लिख के भेजा हाय हेलो हाउ आर यू, आपको बात करने का मन नहीं है, टेक्स्ट मैसेज करने का मन नहीं है, आपने सिंपल सा एक इमोजी भेज दिया, क्या भेज दिया आपने, इमोजी सेंड कर दिया। मैंने कहा आपने भेज दिया इमोजी, इमोजी का मतलब होता है इमोशन, और आपने आइकन भेजा है, मतलब आप अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को आप एक आइकन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसी को बोलते हैं इमोटिकन। इमोटिकन आप समझना, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूँ, कोई बताएगा नहीं आपको, और दावे के साथ कहता हूँ कि आपने एक बार क्लास कर लिया, आपको दोबारा क्लास करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसको पेन डाउन कर लो, ठीक है। तो इमोजी से यानी कि इमोशन प्लस आइकन से बना इमोटिकन, और इसी को हम लोग कहते हैं इमोजी। क्या कहते हैं हम लोग, इमोजी कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्या आप व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक का आप यूज करते हो इमोजी, जैसे आपको किसी ने पूछा कैसे हो, आपने रोने वाला एक इमोजी भेज दिया, तो अगला बंदा समझ जाएगा, ना कहे हुए भी आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन वो बंदा समझ गया कि बंदा परेशान है, रो रहा है, दुख का कारण आपसे तुरंत पूछेगा कि व्हाट इज द एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है, तो आप फिर रिप्लाई करो या ना करो आपका मतलब। तो आपने कुछ कहा नहीं, लेकिन आपने इमोजी के थ्रू आपने चीजों को क्या किया, रिप्रेजेंट किया यानी बताया, डिनोट किया। तो बस इसी तरह इस टॉपिक को पढ़ते हैं, टॉपिक कुछ भी नहीं है, लोग इसको कहते हैं सर समझ में नहीं आता, आज मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, एक ऐसा नायाब तरीका बताऊंगा जिससे आपको पूरी लाइफ आप इस टॉपिक को कभी नहीं भूलोगे। बस आपको करना क्या है, लास्ट तक आपको सेशन को एंजॉय करना है, सेशन को अटेंड करना है, लास्ट तक अगर आप बने रहते हो हमारे साथ, तो आज के बाद लॉजिकल वेन डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, आप उसे करेक्ट करके आओगे और फिर मुझे याद करोगे सर ने क्या ट्रिक बताया, क्या कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है। तो यही मेरा बताने का मतलब है, किसी भी चीज को, अपनी भावनाओं को आप आइकन के थ्रू बताओ, ठीक है। देखो ठंडी का समय है, फिर भी मुझे गर्मी हो रही है, क्यों, क्योंकि मैं डेडिकेशन के साथ सोचता हूं कि आपको क्लास प्रोवाइड करूं, ठीक है।
तो ध्यान समझना, गर्मी का समय नहीं है, मैं आज क्लास ले रहा हूँ 6th of December 2020 की बात करूँ, आज मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर भी मुझे पसीना आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैं डेडिकेशन के साथ आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करता हूँ। चलो ठीक है, लॉजिकल वेन डायग्राम की हम लोग यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चंस पहले समझेंगे सर, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में आते हैं। बायलिंगुअल मेरा क्लास चलेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में क्लास चलेगा, तो बोथ लैंग्वेज के कैंडिडेट्स मेरे क्लास को अवेल कर सकते हैं। एसएससी का एग्जाम देना हो, रेलवे का एग्जाम देना हो, सुपरटेट का एग्जाम देना हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हो और अपने नॉलेज को आप इनहेंस कर सकते हो मेरे साथ स्टडी विद धीरेन्द्र सर पर। ओके, लॉजिकल वेन डायग्राम का पहला क्वेश्चन बनता है सर हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका कॉन्सेप्ट, मैंने बता दिया इसका रीजन क्या था पढ़ने का, इसका कारण क्या था पढ़ने का, क्यों पढ़ते हैं हम लोग, मैंने बता दिया कि आप का सेंस कितना, आप कितना माइंड स्ट्रांग है आपका, है कि आप चीजों को देखकर समझ जा रहे हो और आप ग्राफिकल चीजों को रिप्रेजेंट कर दे रहे हो पिक्चर के फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में, दैट इज वेन डायग्राम, एक आरेख के माध्यम से आप चीजों को बता रहे हो। ठीक है, अब इसका हम समझेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम लोग ट्रिक की बात करेंगे, इसका ट्रिक क्या है, बहुत आसान भाषा में इसको हम लोग समझेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर प्रॉब्लम, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई योर इश्यूज, व्हाटएवर। ओके, ध्यान देना यहां पे आप लोग, पहला क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे आते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कितने प्रकार के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में यहां से बनते हैं। ठीक है, पहले ये पता होना चाहिए, तो आप लिख लेना। अब ट्रिक, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं वो समझना कैसे है, आप लिखो यहां पर यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यानी कि इस दुनिया में कितने रिलेशन बन सकते हैं वेन डायग्राम से, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। इस पूरे वर्ल्ड में, प्लेनेट पे रिलेशन यानी कि ग्राफिकली पिक्टोरियल के फॉर्म में कितने संबंध बन सकते हैं आपके बीच, हमारे बीच क्या संबंध बन सकता है, हमारे देश के बीच और किसी और कंट्री के बीच क्या संबंध बन सकता है, किसी भी व्यक्ति के बीच क्या रिलेशन बन सकता है, हम लोग समझेंगे वेन डायग्राम के माध्यम से। तो पहला आपका होता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक सकारात्मक, ध्यान दीजिएगा सार्वभौमिक सकारात्मक, मैं देख लूं जरा विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं, बिल्कुल सार्वभौमिक सकारात्मक। दूसरा आपके निकल के आता है यूनिवर्सल निगेटिव, मतलब सार्वभौमिक नकारात्मक। ठीक है ना, सार्वभौमिक सकारात्मक, यूनिवर्सल अफर्मेटिव हो गया, यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब सार्वभौमिक नकारात्मक। तीसरा रिलेशन बन गया आपका पर्टिकुलर का, ठीक है ना, पर्टिकुलर का, जिसे आप कहते हो विशेष, एक विशेष संबंध, विशेष। और चौथा आपका बन गया मिसलिनियस का मतलब, मैं आपको बता दूं यहां पे हिंदी में कहते हैं विविध, मिसलिनियस को हिंदी में कहते हैं विविध। अब पहले आप लोग समझ लो जो मैंने आपको बताया है इसका मतलब क्या है। देखो मिसलिनियस में कुछ केस बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ केस कितने बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आपको मिसलिनियस में, यानी कि और कितने संबंध बन सकते हैं इन तीनों के अलावा, वो हम समझेंगे मिसलिनियस में, इसे आप विविध के नाम से जानते हो। ठीक है ना, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं लॉजिकल वेन डायग्राम के पार्ट पे, लॉजिकल वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट क्या था मैंने आपको बता दिया कि हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हमारे एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, इसका मकसद क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक की बात करेंगे। तो पहले हमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता दिया आपको, जैसे देखा होगा आपने, आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे कुछ आ गया, ठीक है ना, अब बोला गया कुछ दे दिया गया ऑप्शन में, बताया गया कि बेस्ट ऑप्शन जो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस जो है ग्राफिकल डायग्राम को या लॉजिकल वेन डायग्राम को फॉलो कर रहा होगा, कुछ भी दे सकता है। तो हम तब आंसर दे पाएंगे जब हमको कॉन्सेप्ट या हमको ट्रिक पता होगा, हमको अप्रोच पता होगा हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजिली, और विद इन सेकंड में आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, तरीका क्या है, बस आपको हमारे साथ बने रहना है लास्ट तक। ठीक है ना, क्लास को एंजॉय करना है। और हाँ, सब्सक्राइब और शेयर, अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए मैक्सिमम, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम बच्चे इस क्लास को अवेल कर सकें। मेरा मोटो क्या है, प्योर टीचिंग नथिंग एल्स, मतलब प्योर कंटेंट नथिंग एल्स, अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म पे हमारा ये ध्येय है, मोटो है। ओके, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, सार्वभौमिक सकारात्मक क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक गोला बन गया, गोला मैंने कहा भी ग्राफिकल डायग्राम, उसके ऊपर एक गोला बन गया, उसके ऊपर एक गोला बन गया, मतलब जितना भी डेटा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी चीजें हैं, उनके बीच ऑल का रिलेशन बन रहा है,
सार्वभौमिक सकारात्मक एग्जैक्टली कहलाता है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आपको। सार्वभौमिक नकारात्मक का मतलब होता है कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी कंटेंट या एनी डेटा कह सकते हो, देयर इज नो रिलेशन, किसी भी जो है डेटा के बीच कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये आपका कहलाता है सार्वभौमिक नकारात्मक। बहुत ध्यान से आपको समझना है, यानी कि इन तीनों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो, वो नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव का मतलब कि एक जो है, एक का पार्ट पूरे के पार्ट के अंदर है, पूरा होल कंप्लीट कर रहा है, फिर एक उसके अंदर पूरा कंप्लीट कर रहा है, गोला के अंदर गोला, गोले गोला के अंदर गोला। ये आपका सार्वभौमिक सकारात्मक वाला कॉन्सेप्ट है। सार्वभौमिक नकारात्मक में क्या हो गया, मैंने कहा कोई संबंध नहीं है। अगर आपको ऐसा गोला दिख गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ दिख गया, बताइए कि इनसे कौन सा डायग्राम बनेगा, वेन डायग्राम, तो आप कहोगे यूनिवर्सल नेगेटिव, मतलब सार्वभौमिक नकारात्मक, कोई भी संबंध नहीं है। और सार्वभौमिक सकारात्मक का मतलब, मैंने कहा एक गोला, उसके अंदर एक गोला, एक उसके अंदर एक गोला, ये आपका सार्वभौमिक सकारात्मक का पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव का को डिनोट करता है। पर्टिकुलर का मतलब होता है विशेष संबंध, मतलब एक विशेष संबंध, मतलब ऐसे बन गया, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब पर्टिकुलर, मतलब तीनों आपस में किसी ना किसी रिलेशन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बात करें, वो रिलेट कर रहे होंगे, मतलब कुछ रिलेशन, पूरा का रिलेशन नहीं है लेकिन कुछ का रिलेशन है, ये आपका पर्टिकुलर कहलाता है। और मिसलिनियस में सेवन केस होते हैं, वो सेवन केस कौन कौन से होते हैं मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। तो पहले आप स्टार्टिंग से समझो, ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन है, और फिर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन यहां से एग्जाम में बनते हैं। जैसे अब ये आपने लिख लिया ना, अब मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, सारा मैं एग्जांपल बता दे रहा हूं आपको, बस आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। क्लास को अच्छे से एंजॉय करिए, बिना भगाए क्लास को अटेंड करिए, ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बताऊं आपको टाइप वन जो आपका है, मैंने कहा मान लीजिए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब सार्वभौमिक सकारात्मक, ठीक है ना। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सार्वभौमिक सकारात्मक, यह आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। आपके सामने क्वेश्चन आया, बताइए विलेज, फिर आपका आ गया डिस्ट्रिक्ट, फिर आपका आ गया स्टेट। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, बताइए इनमें से तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन आपके पास होंगे, ध्यान दीजिएगा, चार ऑप्शन आपके पास होंगे। पहला मान लीजिए ऐसे है, दूसरा मान लीजिए ऐसे है, तीसरा मान लीजिए ऐसे है, और चौथा मान लीजिए ऐसे है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चंस को, यानी जो स्टेटमेंट है, कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है। तो मैंने कहा कि विलेज, तो आप दिमाग लगाइए, मैंने कहा सार्वभौमिक सकारात्मक की बात में कर रहा हूं, तो आप कहेंगे सर जो विलेज होता है, सर वो छोटा सा पार्ट हो गया विलेज, यानी आपने कहा सर विलेज हो गया, मैंने कहा वेरी गुड। आपने कहा सर विलेज किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आएगा, शहर के अंतर्गत आएगा, जिले के अंतर्गत आएगा, आपने कहा बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हो गया, बिल्कुल। और डिस्ट्रिक्ट जो है आपका वो स्टेट के अंतर्गत आएगा, यानी स्टेट हो गया आपका, बोलो हाँ या ना, ओके। तो ये आपका सारा विलेज का सारा पार्ट किसमें है, डिस्ट्रिक्ट में है। गांव जिले में आता है ना कि जिला गांव में आता है, ये आपको समझना होगा, बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं आपको, आपके जानकारी के लिए, ठीक है, जिसको आप पेन डाउन करते जाइए मेरे साथ। आगे क्वेश्चन बनता है, ये समझ में आ गया ना, ये रिलेशन समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे अगर हम बात करें, यहां पर लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे बात करें अगर हम, क्वेश्चन सामने आपके आ जाए तो आपका आंसर कौन सही होगा, आपका लास्ट आंसर सही होगा, लास्ट ऑप्शन जो था वो सही हो जाएगा, देख लीजिएगा, लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, गोले के अंदर गोला वाला आपका डायग्राम समझ सही हो जाएगा। तो आपने इजिली उसको रिप्रेजेंट कर दिया। जान लीजिए मैंने आपसे कहा अयोध्या, ठीक है, फिर मैंने कहा यूपी, और फिर मैंने कहा इंडिया, और फिर मैंने कहा वर्ल्ड, है ना। अब इसके बीच मैंने कहा बताइए वेन डायग्राम के माध्यम से रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करिए, डिनोट करिए। तो आपने कहा सर बहुत आसान है, सर ये तो सार्वभौमिक सकारात्मक को फॉलो कर रहा है। अब आपको समझ में आ गया, तो आपने कहा सर बिल्कुल, अयोध्या जो है एक शहर है, जिला है। फिर आप कहेंगे सर अयोध्या किसके अंतर्गत आएगा, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या, इस डायग्राम को देख के हम बनाएंगे। उत्तर प्रदेश सर इंडिया में आता है, इंडिया के अंदर, और सिर्फ इंडिया जो है, वर्ल्ड की बात करें हम, संसार में आपका इंडिया कंट्री एग्जिस्ट करता है, बोलो है ना आसान। तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का मतलब
एक गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला, इट मींस एक जो होगा कंटेंट या डेटा जो भी कह सकते हो, कंप्लीटली वो कवर किया गया होगा किसी के द्वारा। जैसे यहाँ पे आपका अयोध्या है, वो उत्तर प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, उत्तर प्रदेश आपका भारत में, इंडिया में एग्जिस्ट करता है, इंडिया आपका संसार में, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब हम बात कर ले यहाँ पे टाइप टू, ध्यान दीजिएगा बस, आपको क्लास में बने रहना है, पेशेंस। क्लास देखिए, क्लास में अगर आप बने हैं, आपको समझ में कब नहीं आता है, जब आपका कॉन्सेंट्रेशन कहीं और होता है। क्लास अटेंड करो तो क्लास को अटेंड करो अच्छे से। टाइप टू क्या है वो ध्यान समझना आप, टाइप टू क्या है गाइज। टाइप टू में मैंने बताया आपको यूनिवर्सल, यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव मतलब सार्वभौमिक नकारात्मक। इसके सेंटेंस से क्या निकल के आ रहा है सर, सार्वभौमिक नकारात्मक। तो सार्वभौमिक नकारात्मक में क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सार्वभौमिक नकारात्मक में क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक नकारात्मक की बात कर लें तो मैंने कहा था कि देयर इज नो रिलेशन, कोई संबंध नहीं किसी के बीच, ठीक है ना। जैसे आपका आपके पड़ोसी से अगर लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, तो कोई संबंध नहीं होता, 36 का आंकड़ा होता है, समझ में आ गया। नेगेटिव मतलब कोई संबंध नहीं, न्योताकारी सब बंद, ठीक है ना, खान पान सब बंद। कहते हो हमारे यहां उनके यहां से खान पान नहीं है, आप ये बोलते हो ना गांव में एक वर्ड, हमारे यहां उनके यहां से भैया खान पान नहीं है, तो मतलब क्या हो गया इसका, इसका मतलब हो गया देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपके सामने आ गया क्रिकेट, आप ध्यान समझिएगा क्रिकेट, ठीक है, आपके सामने आ गया बैडमिंटन, ठीक है, बैडमिंटन, ठीक है, आपके सामने आ गया हॉकी। अब आप बताओ क्या इन तीनों का आपस में कोई रिलेशन है, तीनों गेम हैं, अगर गेम दिया होता तो गेम के अंदर तीनों आते, बस तीनों अपने आप में गेम है, तीनों का कोई संबंध नहीं, चाहे क्रिकेट हो, बैडमिंटन हो, हॉकी हो, तीनों अपने आप में अपना गेम है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, ओके। तो यूनिवर्सल निगेटिव का मतलब कोई संबंध नहीं है। आज आप कॉन्सेप्ट और ट्रिक समझ लो, फिर मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। आगे मैं बोल रहा था आपसे पर्टिकुलर, आगे मैं बोल रहा था कि रिलेशन होता है आपका पर्टिकुलर का, तीसरा जो टाइप होता है वो पर्टिकुलर का होता है, किसका होता है, पर्टिकुलर का होता है, मतलब एक विशेष संबंध, एक विशेष संबंध है ना, मतलब पार्शियली, मतलब पूरी पूरी तरह से रिलेशन तो नहीं है, लेकिन एक विशेष संबंध है। जैसे डायग्राम आपका अगर ये कहीं बना दिख जाए, आपको आपके सामने कहीं डायग्राम दिख जाए, देखो तीन यहां पे डेटा दिया गया है, तीन कंटेंट दिया गया, तीन फिगर दिया गया, कह सकते हो तीन पिक्चर है, डायग्राम है, और तीनों आपस में कुछ किसी ना किसी रिलेशन से संबंधित है, मतलब किसी ना किसी वजह से रिलेट कर रहे हैं, वजह कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बात करूं, आप एग्जांपल लीजिए, यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, टीचर, टीचर मतलब शिक्षक, मैं गार्जियन की बात कर लूं, गार्जियन यानी अभिभावक, और मैं बात कर लूं पेरेंट्स के बारे में, पेरेंट्स मतलब माता पिता। ध्यान दीजिएगा इनका रिलेशन क्या बनेगा, आप इसको समझ सकते हैं आसानी से, एक टीचर यानी कि टीचर गार्जियन भी हो सकता है, और गार्जियन टीचर भी हो सकता है, और गार्जियन आपका पेरेंट्स भी हो सकता है, और पेरेंट्स आपका टीचर भी हो सकता है, माता पिता टीचर नहीं होते क्या। तो तीनों आपस में किसी ना किसी रिलेशन से, किसी ना किसी वजह से रिलेट कर रहे हैं, ये आपका रिलेशन कहलाता है पर्टिकुलर का, है ना। जैसे आप समझिए राइटर की बात कर लें, राइटर, ठीक है ना, और मैं बात कर लूं यहां पे क्रिकेटर, क्रिकेटर, ठीक है ना, और यहां मैं बात कर लूं मैं एक्टर की बात कर लूं, एक्टर। ये तीन एग्जांपल आपके सामने, तीन डेटा है। तो भैया बिल्कुल सीधी सी बात है कि आप यहां पे ऐसे रिलेशन बना सकते हो, सर जी आप किसी इस क्रिकेटर का नाम ले लो, सर जी अजय जडेजा क्रिकेटर भी थे और सर उनकी मूवी भी आई थी, ठीक है ना, श्री संत क्रिकेटर भी थे, उनकी मूवी आई थी, ठीक है, बहुत सारे क्रिकेटर राइटर भी हैं जिन्होंने अपनी, जिन्होंने बायोग्राफी भी लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है अगर बात करें हम लोग, तो ये आपका एक पर्टिकुलर, मतलब राइटर क्रिकेटर हो सकता है, क्रिकेटर भी आपका एक्टर हो सकता है, लेकिन आप ये कहो कि पूरा एक्टर क्रिकेटर हो सकता है तो वी कांट से पार्शियल रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब इसी को बोलते हैं पर्टिकुलर, मतलब एक विशेष संबंध बोलते हैं हम लोग। जैसे मैंने कहा ना, माता पिता आपके, पेरेंट्स आपके गार्जियन हो सकते हैं, भाई गार्जियन तो कोई भी हो सकता है, आपके भैया भी गार्जियन हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी है माता पिता ही गार्जियन हो। आप कहीं रूम लेके रहते हो, आप कहीं रूम लेके रह रहे हो, आपका जो लैंडलॉर्ड है, आपका जो मकान मालिक है, वो भी आपका गार्जियन वहां पे होता है,
आपके माता पिता बोल के जाते हैं भैया देखिएगा ध्यान दीजिएगा आपके अंडर में इनको देके जा रहा हूं, है ना, अगर आप रूम लेके रहते हो तो। गार्जियन तो आपके भैया भी हो सकते हैं, गार्जियन तो आपके माता पिता चाचा चाची कोई भी गार्जियन हो सकता है। तो ये आपका रिलेशन बन रहा है। गार्जियन टीचर भी हो सकता है, टीचर अगर मान लीजिए आपके पिताजी टीचर हैं तो आपके गार्जियन है कि नहीं है, हो सकते हैं। पेरेंट्स आपके मान लीजिए टीचर हैं तो गार्जियन है कि नहीं है, गार्जियन है टीचर है पेरेंट्स है, तीनों का आपस में पर्टिकुलर वाली बात हो रही, पर्टिकुलर रिलेशन है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, आपको तीनों समझ में आसानी से आया होगा। एक मैंने बताया यूनिवर्सल अफर्मेटिव यानी कि सार्वभौमिक सत्य, सार्वभौमिक सकारात्मक आपका होता है जिसमें एक गोला, गोले के अंदर गोला, गोले के अंदर गोला वाला रिलेशनशिप बनता है, ये आपका कहलाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। यूनिवर्सल नेगेटिव कहलाता है आपका सार्वभौमिक नकारात्मक, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन एनी डेटा, जो भी आपका हो सकता है डेटा हो या पिक्चर हो या वेन डायग्राम हो, किसी के बीच कोई संबंध नहीं है, नकारात्मक है रिलेशनशिप आपका, तो नेगेटिव कहलाता है। पर्टिकुलर में तीनों के बीच ये जितने भी दिए हूं उनके बीच कुछ ना कुछ का रिलेशन होता है, इसलिए पर्टिकुलर कहते हैं। अब हम समझेंगे जो हमारा मिसलिनियस पार्ट है उसमें भी कुछ चीजें निकल के आती हैं। क्या निकल के आती है इसको वो ध्यान से समझना आप, ठीक है ना। मिसलिनियस क्या है आपका, मैंने कहा फोर्थ टाइप आपका मिसलिनियस है। मिसलिनियस मतलब होता है विविध, मतलब इसमें कुछ केस बनते हैं। मैंने कहा मान लीजिए केस वन, केस वन क्या बनता है वो ध्यान समझना। एक ऐसे गोला बना दिया आपने, उस गोले के अंदर आपने ऐसे बना दिया, जब केस वन है मैं समझा रहा हूं आपको कैसे होगा। केस टू क्या होगा वो ध्यान समझिएगा, केस टू क्या होता है, केस टू का मतलब आपने गोला बना दिया, गोले के अंदर आपने कुछ इस तरह से रिलेशनशिप को दिखा दिया, आपका हो गया केस टू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा आसानी से। केस थ्री का मतलब क्या है, अगर हम केस थ्री की बात करें तो केस थ्री में क्या निकल के आता है, गोला, गोले के अंदर एक गोला और यहां पे एक रिलेशन, मतलब एक गोला, केस थ्री। इसी तरह हम लोग अगर बात करें केस फोर के बारे में बात करें, बस आपको बने रहना है और देखना है, आपको समझना, मैं समझा रहा हूं मैं आपको कितने रिलेशन बन सकते हैं आपको, ये यहां पे देखना है। केस अगर हम बात करें फोर के बारे में तो फोर को आप देख सकते हो कुछ इस तरह से रिलेशन बनता है, ये रिलेशन बनता है, यानी कि एक पार्शियल दो लोगों के, दो फिगर के बीच पार्शियल रिलेशन है और एक तीसरा किसी प्रकार से आपस में रिलेशन नहीं रख रहा है, ठीक है ना। और एक आपका रिलेशन बन के आता है अगर हम केस चार पांच की बात करें, केस पांच की बात करें तो एक आपका ऐसे होता है और एक आपका ऐसे होता है, ये मैंने आई थिंक बता दिया है, तो आपका फिर ये निकल के आ जाएगा इस तरह से, यानी कि ये रिलेशन हो जाएगा आपका केस फाइव। आप देख सकते हैं केस फाइव आसानी से। केस सिक्स की बात करें अगर हम लोग, यहाँ पे सेवन केस बनते हैं, कौन कौन से केस बनते हैं इसको हम लोगों को समझना होगा आसानी से, ठीक है। एक केस आपका हो गया केस सिक्स, केस सिक्स में क्या हो गया ध्यान दीजिएगा, केस वन में ये हो गया, केस टू में ये हो गया, केस थ्री में आपका ये बन गया, केस सिक्स में आपका हो गया अगर हम लोग बात करें तो ये रिलेशन आपका बन रहा है, ठीक है, एक पूरी तरह से ये बन गया, ये बन गया, एक रिलेशन आपका बनता है ऐसे, आप देख सकते हो ऐसे बनता है, यानी कि ये वाला हो गया। और एक केस सेवन हो गया आपका, केस सेवन हो गया आपका, केस सेवन में ऐसे बनता है, ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। मैं जरा देख लूं विजिबिलिटी प्रॉपर है कि नहीं, यस प्रॉपर विजिबिलिटी है। तो सात केस निकल के आते हैं, अब सातों केस में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं जरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे, सातों केस में कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दे पेपर स्टेशनरी और इंक की बात करें, और ध्यान समझिएगा अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन दें पेपर स्टेशनरी, स्टेशनरी एंड इंक, तो आप बताइए इनमें से जितने भी केस मैंने बताया है इनमें से कौन सा डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम फॉलो होगा, आप देख सकते हैं आसानी से, आप लोग इसका आंसर दीजिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे आप देख सकते हैं कौन सा रिलेशन बनेगा, तो आप कह सकते हो बिल्कुल सर स्टेशनरी मतलब स्टेशनरी में सर ये हो गया आपका स्टेशनरी, ध्यान दीजिएगा, और सर उसके अंदर पेपर भी आता है, उसके अंदर इंक आता है, बट इंक और पेपर का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है, हाँ लेकिन वो दोनों स्टेशनरी के अंतर्गत आते हैं, बोलो हाँ या ना। जैसे आपका हो गया अगर मान लीजिए एग्जाम्पल दे दिया किचन, दे दिया किचन, ठीक है, हल्दी, हल्दी दे दिया और चीनी दे दिया, तो आपका आंसर क्या होगा, सर किचन, आपने कहा सर ये किचन हो गया और इसके अंदर सर हल्दी हो गया और चीनी हो गया, तो आपने कहा सर ये बन गया आपका डायग्राम।
तो चीजों को हम ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करें, ये इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैंने कहा आपसे, क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, इस पेपर स्टेशनरी एंड इंक के बीच में रिलेशनशिप बता रहा है, तो आप कहेंगे सर ये बड़ा वाला पार्ट जो आपका स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब यूनिवर्सल अफर्मेटिव का रिलेशन बन रहा है ये स्टेशनरी इन दोनों के बीच, लेकिन इन दोनों के बीच यूनिवर्सल निगेटिव का ऑप्शन बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है यूनिवर्सल निगेटिव का, कोई रिलेशन नहीं है। इतने रिलेशन बन सकते हैं, इसके अलावा और कोई दुनिया में रिलेशन नहीं बन सकता। आप इसको मैं बोल रहा हूं कि आप इसको लिख के रख लीजिए, इसके अलावा कोई संबंध नहीं बनता, इतना रिलेशन बनता है। ठीक है, आगे मैंने क्वेश्चन किया आपसे, क्वेश्चन दिया मान लीजिए, मैंने कहा पेट एनिमल, पेट एंड एनिमल एंड मैंने कहा डॉग, बहुत ध्यान समझना, मैंने क्वेश्चन दिया, अब बताइए इनमें से कौन सा रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है पेट एनिमल और डॉग से। अब डायग्राम ये तो हो गया, इसमें 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 कौन सा जो है डायग्राम फॉलो कर रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा सारे पेट एनिमल होते हैं, सारे डॉग एनिमल होते हैं, बिल्कुल सीधी बात है। लेकिन सारे पेट डॉग नहीं हो सकते, सारे डॉग पेट नहीं हो सकते। भाई आपने बिल्ली, आपका मन किया आपने बिल्ली पाल लिया, बिल्ली तो बिल्ली एनिमल में तो आएगा ना, जानवर में आएगा। आपने खरगोश पाल लिया, खरगोश भी आपका एनिमल में आएगा। आप पेट मतलब जो पालते हो, पालतू जानवर पेट, लेकिन अब डॉग और पेट के बीच में सम का रिलेशन है, मतलब पार्शियल रिलेशन है, मतलब डॉग पेट हो सकता है, पेट भी डॉग हो सकता है, लेकिन सारे डॉग पालतू नहीं होते हैं, कि कुछ डॉग हमारा भी होते हैं, कुछ कुत्ते हमारा भी होते हैं जो रोड पे घूमते रहते हैं, सारे डॉग पालतू नहीं होते हैं, सारे डॉग पेट नहीं, हाँ लेकिन डॉग जितने भी होते हैं वो एनिमल होते हैं। तो आपका बेस्ट डायग्राम ये बन रहा है, एनिमल के अंदर पेट और पेट से डॉग का सम का रिलेशन है, या डॉग का पेट से सम का रिलेशन है। आई होप यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपका केस दो हो गया। अब आप समझिए आसानी से, मैं यहां मिटा दे रहा हूं, मिसलिनियस का ही पार्ट चल रहा है। मिसलिनियस में हम लोगों ने केस दो देखा, केस तीन कहां पे एग्जिस्ट करेगा ये देखना होगा हम लोगों को, केस तीन कहां पे एग्जिस्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आ गया चोर, ठीक है, और अपराधी और जज, यह क्वेश्चन आ गया चोर अपराधी और जज, तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा सर ये न्याय का देवता होता है, जज होता है न्याय का पुजारी होता है जज, और सर यहां पे आपने चोर कर दिया और यहां पे आपने अपराधी कर दिया, अपराधी कर दिया, क्योंकि सारे अपराधी चोर होते हैं ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि अपराध में लोग मर्डर भी करते हैं, अपराध वो भी तो होता है जो क्राइम करते हैं, मर्डर कर देते हैं वो भी क्राइम होता है कि नहीं होता है, लेकिन चोर चाहे छोटी हो चोरी या बड़ी, चोर जो होते हैं अपराधी होते हैं, ये आपको मानना होगा। भाई आपने अगर कुछ भी चोरी कर लिया तो आपने अपराध किया है, चोरी एक निगेटिव वर्ड है, तो चोरी अपराध किया मतलब सारे चोर अपराध के अंदर अंतर्गत आते हैं, लेकिन सारे अपराध चोर नहीं होते हैं, क्योंकि अगर भाई अपराधी जो होता है वो क्रिमिनल जो होता है, किसी का किडनैप कर लिया है, किसी का मर्डर कर दिया, तभी अपराधी है ना, लेकिन चोर तो नहीं है, लेकिन सारे चोर अपराधी होते हैं, और जज न्याय का देवता होता है, इसके बीच कोई संबंध नहीं होता है। आसानी आसान भाषा में आपको समझ में आ गया होगा। तो मिसलिनियस में तीन पार्ट हो गया, अब आप समझो नेक्स्ट पार्ट आपका आपके सामने है, चार पांच छह सात, ठीक है, चार केस और है यहां पे, समझिए आप कैसे रिलेशन बनेगा। मान लीजिए मैंने कहा, क्वेश्चन आपके सामने आ गया वायर कॉपर और पेपर, आपके सामने क्वेश्चन आ गया वायर कॉपर और पेपर, यह आपके सामने क्वेश्चन आ गया वायर कॉपर और पेपर, ओके अब आप बताइए मुझे कॉपर, आप कहेंगे सर ऐसे हो गया सर, वायर जो होता है वो कॉपर का भी होता है, कॉपर वायर का भी होता है, मतलब कॉपर वायर वायर कॉपर के बीच में सम का रिलेशन है, पार्शियल रिलेशन है, लेकिन सर पेपर तो एक अलग चीज हो गया, पेपर तो एक कागज एक अलग चीज हो गया, मतलब ये एलिमेंट्स, ये तीन एलिमेंट्स हैं, वायर पेपर कॉपर का हो सकता है, तार कॉपर का हो सकता है, और कॉपर जो होता है उसका तार बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, लेकिन आप कहिए पेपर और कॉपर वायर से कोई रिलेशन होता है, तो भाई कॉपर मतलब तांबा की बात यहां पे कर रहे हैं, वायर मतलब तार की बात कर रहे हैं, तो अगर पूछा जाए आपसे तार कागज और पन्ना यानी पेपर पेज है ना, जो पेपर आपका होता है इसके बीच में क्या संबंध होता है, सॉरी कागज तो ये हो गया आपका तांबा, तांबा हो गया आपका और आपका हो गया कागज, मतलब वही कागज आपका, ठीक है ना, तो तार तांबा और कागज के बीच में संबंध क्या है, तो आपका आंसर सर ये आपका वायर कॉपर और ये पेपर, ये आपका हो जाएगा केस फोर्थ, केस फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको ध्यान देना होगा
केस फोर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। ओके, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। मान लीजिए महिला डॉक्टर, ठीक है ना, महिला डॉक्टर, डॉक्टर एंड माता, तो आप कैसे डायग्राम बनाओगे? महिला डॉक्टर माता, तो आप बिल्कुल कहोगे सर बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सारी जो माताएं होती हैं, सारी जो माताएं होती हैं वो महिला होती हैं। बिल्कुल सही आंसर है, सारी माताएं महिला होती हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर, तो माता भी डॉक्टर हो सकती हैं और महिला भी डॉक्टर हो सकती हैं, तो यहाँ पे आपका डॉक्टर हो गया। मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये समझ में आया कि सर ये जो डायग्राम पांचवा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारी महिला। भाई सीधी बात बताओ मुझे आप, इस दुनिया में जितनी भी माताएं होती हैं, कोई पुरुष होता है क्या? महिलाएं तो होती हैं इस दुनिया में, जितनी माताएं होती हैं महिलाएं होती हैं, लेकिन सारी महिलाएं माताएं नहीं कह सकते हो आप कि सारी महिलाएं माताएं होती हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना भाई। भाई सबको, अगर किसी को कुछ कुछ भी मतलब प्रॉब्लम है या बेबी नहीं हुआ तो आप तो ये नहीं कह सकते हो, अगर आप किसी लड़की की शादी नहीं हुई तो वो तो फीमेल फीमेल तो है, महिला तो है, लेकिन माता तो नहीं है ना। लेकिन सारी माताएं महिलाएं होती है। अच्छा, महिला डॉक्टर भी हो सकती है और माता डॉक्टर भी हो सकती है, मतलब उनके बीच में कुछ का पार्शियल संबंध होता है, रिलेशन होता है, पार्शियल कुछ संबंध होता है, सम का रिलेशनशिप होता है, सारा नहीं होता है। महिला डॉक्टर माता भी हो सकती है, आपकी अगर मदर है और डॉक्टर है तो हो सकती है। डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, फीमेल जरूरी नहीं कि माता हो तो वो डॉक्टर ही बने, फीमेल भी डॉक्टर। मतलब इसके बीच जो रिलेशन बन रहा है एग्जैक्टली ये आपका बन रहा है, एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और एक आपका पर्टिकुलर का रिलेशन है। देखो उसी से निकल के आ रहे हैं यूनिवर्सल, जैसे ये आपका रिलेशन मैंने बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका पर्टिकुलर का था, ये आपका निगेटिव का था। यहाँ पे दोनों के बीच पर्टिकुलर का रिलेशन है, तीसरा निगेटिव का रिलेशन है, मतलब कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा तार तांबा और कागज के बीच, यह आपका माता महिला और मैंने कहा डॉक्टर, जो पैसा होता है डॉक्टर, मतलब कह सकते हैं नौकरी जो कर रही होती है डॉक्टर होती है, डॉक्टर माता भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है। तो आई होप केस पांचवा भी आपको समझ में आया होगा मिसलिनियस का, ठीक है। केस दो बचा, ध्यान दीजिएगा, केस दो बचा। अब आपके सामने मान लीजिए क्वेश्चन है, नर बच्चा, ठीक है, पिता। मान लीजिए क्वेश्चन है आपका नर बच्चा और पिता, ठीक है। आप इसके बोला गया कि आपको वेन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है, तो आपने कहा कोई बात नहीं, तो आपने ये वाला डायग्राम आपका पिता हो गया, ये वाला डायग्राम आपका नर हो गया मतलब पुरुष, ठीक है, और ये वाला डायग्राम आपका बच्चा हो गया, बच्चा हो गया, चिल्ड्रन। मतलब क्या निकल के आ रहा है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव भी है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है और पर्टिकुलर रिलेशन भी है। बच्चा पिता नहीं हो सकता, पिता बच्चा नहीं हो सकता, आपको समझ में आया होगा चीज़। लेकिन हाँ, बच्चा नर हो सकता है और सारे नर जो होते, सारे पिता जो होते हैं वो नर होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सारे नर आपके पिता हों। भाई प्रधानमंत्री मोदी जी पुरुष हैं लेकिन पिता नहीं है, लेकिन सारे पिता दुनिया में जितने पिता होंगे वो सब पुरुष होंगे, नर होंगे। जैसे मैंने कहा था कि सारी माताएं महिलाएं होती हैं, सारी माताएं महिलाएं होती हैं, सारे पिता पुरुष होते हैं, लेकिन बच्चा अगर आ गया यहाँ पे तो बच्चा पिता नहीं होता है, पिता बच्चा नहीं होता, पिता और बच्चा और नर के बीच में सम का रिलेशन होगा, क्योंकि बच्चियाँ भी होती हैं, बच्चा मतलब चिल्ड्रन आपका आ गया, ठीक है, तो फीमेल भी कंसीडर किया जाता है बच्चा, ठीक है, दोनों के लिए कंसीडर किया जाता है बच्चा, ये चीज़ समझना होगा आपको। तो केस सिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ये वाला डायग्राम जो आपका मैंने बताया, एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना। इसी तरह केस सेवन समझते हैं हम लोग। केस सेवन में मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ध्यान दीजिएगा, आ गया यात्री बस और ट्रेन, आपको बनाना है संबंध यात्री बस और ट्रेन, तो आप कैसे बनाओगे? तो आपने कहा सर यात्री बीच में हो गया, सर वो बस से भी जा सकता है, ट्रेवल कर सकता है और ट्रेन से भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन ट्रेन और बस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो आपका सेवेंथ केस था ये आपका आसानी से आ गया। तो इस प्रकार इतने केस बन सकते हैं, ठीक है, आपके लॉजिकल वेन डायग्राम के पार्ट पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, इंपॉर्टेंट सेशन है आपके एग्जाम के पार्ट पे, मैंने कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक बताया आपको। अब नेक्स्ट टाइम जब मुलाकात करूंगा आपसे तो मैं प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा और कुछ क्वेश्चन इस पर कराऊंगा। वैसे अगर आपके पास आप टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़े होंगे तो मैं उस पर इसका क्वेश्चंस भेज दूंगा, प्रैक्टिस करके क्वेश्चंस भेज दूंगा और आप वहां से आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे अच्छे टॉपिक यहां पे हम डिस्कस करेंगे, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।